And I think that's the best decision for him, because when Pathan does come, it's going to be a tsunami at the box office. Because सो गाइज, अब तो शाहरुख खान के प्रिय मित्र यानी कि करण जौहर ने भी पूरी तरह से एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो क्लिप में बता दिया कि जब पठान मूवी बॉक्स पर आएगी तो कितना बड़ा रिकॉर्ड तहस नहस करेगी। पूरी तरह से ये पठान जब बॉक्स पर आएगी तो सुनामी लेकर ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो कि पठान मूवी बनने जा रही है, और 25 जनवरी 2023 को ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेगी, और पहले दिन की धमाकेदार ओपनिंग जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि बॉलीवुड की एक ऐसी कोई भी मूवी नहीं होगी जो इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी। जी हाँ दोस्तों, गाइस, शाहरुख खान की वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग की मूवी भी पठान मूवी बनेगी, और इसके साथ साथ जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की भिड़त जो बॉक्स पर होगी वो ताली और सीटी मारने से होगी, और जैसे कि दांतों तले उंगली चबा जाएंगे ऐसी होगी। वायरा भी ऐसा सोच रहा है कि इस पठान मूवी को ऐसे धमाकेदार, ऐसे ग्रैंड लेवल पर रिलीज किया जाएगा कि आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म ऐसी रिलीज के लिए पूरी तरह से तड़प उठ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिलीज मिलेगी पठान मूवी को जो कि आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी को नहीं मिली होगी। इतनी स्क्रीन पे ये रिलीज होगी और ग्रैंड तरीके से लॉन्च किया जाएगा इस मूवी का। ट्रेलर टीजर देखना दिलचस्प होगा कि अब ये पहले दिन की ओपनिंग में कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं, कितनी बड़ी ओपनिंग लेगी, क्या सुनामी लेकर वाकई में आएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, आपको इस मूवी का कितना इंतजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।